आज अदानी पोर्ट मुंद्रा में आज हम लोग परक्यूशन रेस्क्यू टूल इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। पिछली बार हमने देखा था कि वो सामने जो आप कंटेनर देख रहे हैं उसमें छेद करने के लिए इनिशियली छेद किया था हमने, उसके बाद पियर्सिंग नोजल डाल के हम आसानी से कंटेनर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। आज इसका दूसरा इस्तेमाल हम देखेंगे। इसमें वेरियस टाइप टूल्स हैं, आप देख सकते हैं, छेद करने वाला है, ब्रेक करने के लिए है, कॉन्क्रीट ब्रेक करने के लिए। आज हम ये सिम्युलेटर ऐसा ले रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रक्स हैं उनका केबिन इधर है और केबिन के पीछे प्लेट है और प्लेट के नीचे चार बैटरी दो दो के बैंक में इस तरफ और उस तरफ हैं। अगर लिथियम आयन बैटरी में फायर होगी तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला तो जो चार्जिंग स्टेशन में अगर फायर हो रही है तो वहाँ का जो ड्राइवर जिसने या किसी व्यक्ति ने देखा है तो जोर जोर से चिल्लाएगा आग आग, और अंदर से केबिन से फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, दो एक्सटिंग्विशर हैं, तो एक्सटिंग्विशर लेके बाहर आएगा और एक बाहर की साइड में इलेक्ट्रिकली स्विच है जो पावर स्विच है EITV का, वो ऑफ कर देगा। उसका आग का हल्ला सुनने के बाद में जितने भी चार्जिंग स्टेशन में EITV ट्रक्स जो लगे हुए हैं उनके ड्राइवर सेफली डिस्कनेक्ट करेंगे चार्जिंग स्टेशन से और ट्रक को बाहर ले जाएंगे। अब वहाँ पे हम फायर टीम पहुँचने से पहले जो वहाँ के लोग बाग हैं उनका क्या रोल है, वहाँ की जो ऑपरेशन की टीम ड्राइवर लोग हैं वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट अटैक ड्राई केमिकल पाउडर से करेंगे क्योंकि लिथियम आयन बैटरी फायर के लिए अगर प्रारंभिक अवस्था में आग आपने डिटेक्ट कर ली है और थर्मल रनअवे रिएक्शन से पहले अगर फायर ड्राई केमिकल पाउडर से आसानी से बुझ जाती है। हमारा जो ड्राई केमिकल पाउडर है 90% MAP है, मोनोअमोनियम फास्फेट। साथ ही साथ में वहाँ पे एक्सटिंग्विशर AVD भी रखे हुए हैं जो स्पेशली लिथियम आयन बैटरी के लिए ही बनाए गए हैं आग की फायर फाइटिंग में। जब हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी तो ऑलरेडी वहाँ पे जो टीम है हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है, वो वाटर स्प्रे के साथ कूलिंग करते रहेंगे इसको, जहाँ पे बैटरी वाला एरिया है उसको कूलिंग करेंगे वो। अब आप लोगों का रोल क्या है वहाँ पहुँचने के बाद, जब अगर आग ज़्यादा भड़क गई है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वहाँ एक बैटरी के ऊपर इस तरह की प्लेट दी गई है और नीचे जो अप्रोच है, अप्रोच में वाटर अप्लाई करने के लिए वाटर कर्टन हम लगा सकते हैं दो, अगर इस साइड और एक उस साइड, या हमारे पास छोटे नोजल्स हैं लो प्रेशर एप्लीकेटर जो आपको भी दिखाएंगे। डिवाइस को किस तरह से असेंबल करना है विजय राठौड़ बताएगा, आप देखिए। अभी हमें जो इस्तेमाल आने वाली है वो असेंबली ये वाली है जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले उसका क्लैंप निकाला है, रोटेट किया है, इसको लूज किया है ताकि स्पेस बन सके इस टूल्स को डालने के लिए। अभी टूल को डाल दिया है, लॉक कर दिया है। अभी हैमरिंग डिवाइस इसके बाद निकाल के चेक करेगा जो जिससे हैमरिंग करेगा। ये सामने दिखाओ उधर, हैमरिंग निकाल के उस तरफ उधर उधर खोल, हाँ खोल के दिखाओ, हाँ फिट करो, हाँ अभी ये ठीक है। ये तो अभी हमने डिवाइस को रख दो, उसको ये लग गई। अभी इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है, इससे स्पेस नहीं मिलता है तो यहाँ पे छोटे छोटे चेकर प्लेट पे बोल्ट्स हैं, उनको बोल्ट को काटने के लिए बैटरी ऑपरेटेड ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बैटरी ऑपरेटेड ग्राइंडर में दो तरह की ब्लेड होती हैं, एक ग्राइंडिंग के लिए होती है और एक कटिंग के लिए होती है, जो विजय राठौर अभी असेंबल करके आपको दिखाएगा। कटिंग ब्लेड है जो अगर हमको चेकर प्लेट पे बोल्ट काटने पड़े तो कटिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये ब्लेड आप देख रहे हैं थिकनेस ज़्यादा है, कोई ग्राइंडिंग करना है, कुछ चीज़ सरफेस को हमको स्मूथ करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम ये जो पतली वाली ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे चेकर प्लेट के बोल्ट्स काटने के लिए। अब इसको लगाने का तरीका, ये फ्रंट पार्ट हमेशा सामने होना चाहिए, हमने अगर ऐसे लगा दिया तो उल्टी ब्लेड है। सही ब्लेड लगाने का तरीका, सामने से आपको ये पार्ट दिखना चाहिए। Okay. अभी आप देख सकते हैं इधर ऐसे लगाना है इसका, इसको बोल्ट टाइट किया आपने, अभी फुली इंश्योर करने के लिए स्पैनर दिया गया है इसका, नीचे रखा है, जो दबाना है रेड बटन है आप देख सकते हैं, इसको सेट प्रॉपर सेट करने के लिए, अलाइन करने के लिए बटन दिया गया है और स्पेशल स्पैनर से ही इसका क्लोज और ओपन करना है।
चेहरे से दूर रख के करना है विजय, और जब लगाओ तो बैटरी निकाल देना है, बैटरी निकाल के रखना है, वरना क्या आपके लगाते समय ऑन होके इंजरी हो सकती है, ग्राइंडर घूम जाएगा। खोलते समय भी बैटरी निकालनी है और लगाते समय भी, दोनों चीजें ध्यान रखना सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अभी सबसे पहले फायरमैन थर्मल इमेजिंग कैमरा से टेम्परेचर देखेगा, टेम्परेचर कितना है, सेफ डिस्टेंस पे जाके देखेगा। थ्री लेयर नोमेक सूट पहन रखा है इसने, कितना टेम्परेचर है, 35। तो ये थ्री लेयर सूट के साथ में भी जा सकता है। अभी थ्री लेयर सूट जाने के पहले ये इधर कूलिंग देगा बैटरी इसको, तो ये लो प्रेशर एप्लीकेटर है, इसको लगाएगा आप देख सकते हैं, और इसमें बैटरी के नीचे वाले हिस्से में रख देगा। लो प्रेशर एप्लीकेटर से पानी चलता रहेगा, उसके बाद हमारी कटिंग टीम आएगी, कटिंग टीम सबसे विजय आएगा, विजय आके इसको पहले प्लेट को निकालने के लिए पीआरटी टूल का इस्तेमाल करके देखेगा। अगर पीआरटी टूल नहीं जा रहा है तो ग्राइंडर का इस्तेमाल करके इसके जो बोल्ट्स हैं छोटे छोटे उनको कट करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने डाला है, इसमें स्पेस मिल गया है प्लेट में, और हैमरिंग मेथड से ये प्लेट को निकालने की कोशिश कर रहा है, और ये प्लेट निकल गई है। तो इसी तरीके से वो साइड भी जाके प्लेट को करेगा ये। तो जब हमारा प्लेट निकलेगा उस समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी, क्योंकि जो नीचे बैटरी में ऑलरेडी फायर है तो सडन फ्लैश फायर या फ्लेम बाहर आ सकती है, ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा मिलने की वजह से। सेंटर में डालो ना इसके, नहीं आ रहा वहां। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि आपको जगह ना मिले, तो दिमाग लगाते हुए जैसे अभी विजय ने लगाया दिमाग, दम लग। हाँ, अभी आप प्लेट को देखिए, ये प्लेट निकल गई है। अब ये प्लेट निकलने का बेनिफिट यही है कि आप डायरेक्ट यहाँ से फायर फाइटिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो पूरी प्लेट भी हम निकाल सकते हैं, ताकि कंटिन्यूसली कूलिंग करते रहें, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। एक तरीका और भी है, अगर प्लेट निकलती है और अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास कंप्रेस एयर फोम सिस्टम बैकपैक 10 लीटर वाला है, तो बैकपैक से भी हम इसके ऊपर अटैक करके पूरा उसको सील कर सकते हैं। उसमें दो मोड है, एक वेट है और एक ड्राई है, तो वेट मोड में हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, सीलिंग करने की बजाय कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ड्राई मोड में हम ना करते हुए वेट में ही करेंगे, ठीक है। ये तो इतना है रोल हमारा इमरजेंसी पहुंचने के टाइम पे, इमरजेंसी साइट पे पहुंचने के टाइम पे। अब हमारे पहुंचने से पहले जो वहाँ पे ऑपरेशन के लोग हैं उनका क्या रोल है, समझ लीजिए चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे लिथियम आयन बैटरी आपकी लाइन से लगी हुई है। अब ये ड्राइवर है, ये गाड़ी चला रहा है यहाँ पे अंदर, सचिन ड्राइवर है, इसने देखा अंदर से धुआं निकल रहा है, अब ये जोर से चिल्लाएगा आग 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 आग, और अंदर से एक एक्सटिंग्विशर केबिन से निकाल के बाहर जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल स्विच दिया गया है केबिन के पीछे उसको ऑफ कर देगा। तो इसने क्या किया, पावर सप्लाई कट ऑफ कर दी, और चार्जिंग स्टेशन से अपना कपलर निकाल लेगा। जब सचिन आग आग चिल्लाएगा तो बाकी के जो चार्जिंग स्टेशन पे व्हीकल लगे हुए हैं वो ड्राइवर भी सेफली व्हीकल को वहां से रिमूव करेंगे चार्जिंग पॉइंट से, और सेफ डिस्टेंस पे बाहर ले जाएंगे। अब जो ऑपरेशन की टीम है उनका क्या काम है, जब सचिन ने पाउडर चलाया तो आसपास में हमने एक्सटिंग्विशर चलाया पाउडर वाला, आसपास में CO2 और बहुत सारे एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं हमने वहाँ, तो वहाँ पे AVD भी है, एक स्पेशलाइज्ड एक्सटिंग्विशर है जो लिथियम आयन बैटरी की फायर के लिए। लेकिन इनिशियल स्टेज में AVD हमको अप्रोच करने के लिए जगह मिलेगी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लेट लगी हुई ऊपर। तो सबसे उचित तरीका यही है, ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और CO2 से कूलिंग किया जाए अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है और फ्लेम ज़्यादा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, वहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम दिया गया है, पंप हाउस दिया गया है, इलेक्ट्रिकल टीम पंप चलाएगी, और वहाँ पे जो उपस्थित जो ऑपरेशन के लोग हैं वो वाटर स्प्रे नोजल से कूलिंग करते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी को फायर फाइटिंग डायरेक्ट मारेंगे कि कैसे मारेंगे, नहीं वो कूलिंग करेंगे, जेट नहीं मारेंगे,
स्ट्रक्चर को कूलिंग करते रहना स्प्रे, ताकि वो कूल होता रहे। और हम जब जाएंगे तो हम भी ये या तो ये आपका वाटर कर्टन है वो नीचे डाल ये डालेंगे। अगर ज्यादा इंटेंसिटी है तो लो इंटेंसिटी है तो लो प्रेशर एप्लीकेटर आप एक इधर डाल सकते हो एक उधर डाल सकते हो डिवाइडिंग ब्रीचिंग लगा के। तो अभी तक जो मैंने बताया किसी को कोई डाउट है तो आज हमने क्या सीखा विजय बताओ क्या क्या चीजें सीखी हमने। पूरा बैटरी में आग लग गई तो हम कैसे इसमें अप्रोच कर सकते हैं किस में कैसे फायर फाइटिंग कर सकते हैं। पहले तो उसका कहीं बोल तोड़ना है फिर अंदर जाने की जगह देखना है। कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल जाना आज हमने। आज हमने पीआरटी का किया फिर लो एप्लीकेशन ब्रांच का किया फिर थर्मल इमेजिंग कैमरा थर्मल इमेजिंग कैमरा फिर ज़्यादा जरूर है तो वाटर कटर ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते रहिए लिथियम आयन बैटरी फायर के लिए। हमारे को ये रेगुलर एक्सरसाइज एक कॉन्फिडेंस देगी ताकि एक्चुअल में इमरजेंसी हो तो हम सेफली और जल्दी उसको मिटिगेट कर सकें। वैसे तो हमारा फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम इतना रॉबस्ट है इतना इफेक्टिव है कि सभी ड्राइवरों को हमने ट्रेनिंग दी है उन लोगों को पता है क्या करना है इमरजेंसी के टाइम पे। फिर भी लिथियम आयन बैटरी एक केमिकल है और ऑपरेशन में व्हीकल रहते हैं तो फायर नहीं होगा करके ऐसी गारंटी कोई भी दे नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।